चौधरी सिंह भूपेंद्र हुड्डा जी से हम सभी जिलों से हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मेंबर आए हैं। हमने उनसे मांग रखी है अभी करनाल में ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौर को अभी कांग्रेस का डिसाइड होना है टिकट, उनके टिकट के लिए उनको दी जाए। ये उसमें अपने अपनी कार्यकारिणी में ये बात रखें वहाँ पे, और यदि ये टिकट देंगे करनाल से तो 80% राजपूत समाज कांग्रेस को वोट करेगा। ये युवा हमारा जागरूक हो चुका है, सभी में ये एक निश्चिंत है भी हमारी कांग्रेस को वोट करेंगे। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज़ लाइव। मैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पे मौजूद हूं और हमारे साथ में मौजूद है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप तोमर जी। मैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आज जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आज मुलाकात करके आए हैं, किस विषय पर उनसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई। तो सर, हमारे चैनल में आपकी स्वागत है। सर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हम राजनीति के बारे में, राज की भागीदारी के बारे में, अपने समाज के प्रॉपर हमारे हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए उसके लिए हम मिलने आए हैं। पाँच छः जिलों से भिन्न भिन्न तरह के सभी लोग आए हैं भिन्न भिन्न जिलों से, और हमने यही मांग रखी है कि भी हमें राज में का हमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले। करनाल में लोकसभा की अभी टिकट डिसाइड नहीं हुई है, ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौर के लिए हम इनको मांग करने आए हैं कि उनको टिकट दी जाए। और कांग्रेस हरियाणा में हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज सभी कांग्रेस को वोट करेगा। सर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अभी तो टोटल पूरे देश में कितना क्षेत्र में आपका मेंबर हैं और कितने 22 राज्यों में हमारा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, इन सब में है। और सारी राज्य कार्यकारिणी अपने तरीके से काम करे जा रही है, सारे हिंदुस्तान में रोष है, हरियाणा का नौजवान भी जग गया है अभी हमारी राज्य में भागीदारी कैसे हो। उनको सिर्फ टॉनिक देने की ज़रूरत है, उनको लीडरशिप देने की ज़रूरत है, वो सभी तैयार हैं एकदम से। जो हमारा फेवर राजनीतिक पार्टी करेगी हम उनके तरफ हम झुका होगा हमारा वोटों के लिए। आज जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन क्या मिला आपको? उन्होंने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरा आश्वासन दिया, बाद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही मिले, उन्होंने पूरा कहा भी मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपके, हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को टिकट दें, और करनाल के लिए भी उन्हें आश्वासन दिया है। तो जो कि आप पूरी जो कि टीम आई हुई है गुरुग्राम से और गुरुग्राम के पूरे हरियाणा से भी पूरी टीम आई हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के सभी का विचार बनेगा कि कांग्रेस को सपोर्ट करे? सबका मेजॉरिटी में यदि करनाल से इन्होंने सीट दे दी तो 80% जो पहले बीजेपी को देते थे वो कांग्रेस की तरफ झुक जाएंगे। तो उम्मीद है कि सारे एक पक्ष होंगे का? भाई, नेता अलग अलग हैं, उन नेताओं की कोई नहीं, पब्लिक जो युवा जगा हुआ है वो डिसाइड करेगा। यदि वहाँ से उनको टिकट मिल जाती है तो ये बिल्कुल कांग्रेस की तरफ सबका झुकाव हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।